हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बारे में। आज मैं शेयर करूंगा एक ऐसे जबरदस्त स्टॉक के बारे में जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करती है। तो डेफिनेट दोस्तों, इस स्टॉक को आप नजरों में रख सकती हो। ये जो स्टॉक है, इसका प्राइस मतलब जो स्टॉक है वो इंडिया में लिस्टेड भी है, साथ में यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है और साथ में जर्मन मार्केट में भी लिस्टेड है। मतलब आप हो सकते हो मल्टीपल एक्सचेंज पे इनका जो स्टॉक है वो ट्रेड करता है। और अभी जो स्टॉक का प्राइस है, वैसे तो मिट्टी के भाव में मिल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टॉक सस्ता है अपने वैल्यूएशन से। अगर कंपनी के प्रॉफिट देखोगे, नंबर्स देखोगे, डेट फ्री स्टॉक है और लगातार काफ़ी अच्छी खबरें यूएसए से इंडिया से स्टॉक के लिए आने में लगी है, इसलिए आप चाहो तो स्टॉक को नज़रों में रख सकते हो। और आई थिंक 1100-1200 के प्राइस में जब स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था, तो हमने एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको टॉप 5 स्टॉक बताए थे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक, जिसमें आपका ये स्टॉक भी शामिल था। तो दिखाता हूँ मैं आपको फुल स्टोरी क्या है और आप स्टॉक में क्या भी करके चल सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यूएसए से कुछ अच्छी खबर निकल के आ रही स्टॉक के लिए, वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाइडेन टू बूस्ट मेड इन अमेरिका गुड्स, और स्टॉक का जो नाम है वो सीमेंस है। उनको बताया जा रहा है कि ये एड्स फैक्ट्रीज जॉब। तो मतलब तो दोस्तों, जो बाइडेन की तरफ से काफ़ी अच्छा बयान आया है, वो मेक इन अमेरिका गुड्स बनाना चाहते हैं। और इसी के तहत सीमेंस यूएसए ने एक अनाउंसमेंट करी है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम इन्वेस्ट करेंगे 54 बिलियन डॉलर टू क्रिएट 300 जॉब्स इन एक्सपेंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक सर्किट बोर्ड, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल साइट्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है सीमेंस यूएसए वालों के लिए। मतलब जो सीमेंस यूएसए का जिन्होंने स्टॉक होल्ड करा हुआ, उनके लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा और ये चीज आपको देखने को मिलता भी है। तो सीमेंस इंडिया काफी अच्छे नंबर्स लगातार आपको ये देने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा कि कंपनी क्यों अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 81,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और प्लेज होल्डिंग आप देख सकते हो, 1 रुपए की नहीं हमें देखने को मिलती है। और हाई स्टॉक का 2500 का, और अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 2200 के आसपास मिल रहा है। तो स्टॉक में भी अच्छी खासी एक हेल्दी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो 0.35% के आसपास है। बाकी कंपनी देखो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी लगातार अच्छे नंबर्स आपको दे रही है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर नंबर्स के बारे में, क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। और आप देख सकते हो सेल्स कंपनी की 3550 करोड़ की हुई है दिसंबर 2021 में, जो दिसंबर 2020 में 2900 करोड़ की सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 368 करोड़ का हुआ है, जो दिसंबर 2021 में 365 करोड़ का है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो दिसंबर 2021 में कंपनी ने 251 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, जो दिसंबर 2020 में 296 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी के एक क्वार्टर में जो नंबर है थोड़े डिक्लाइन हुए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कंपनी के जो ईयरली परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस खोल रखी है, ईयरली नंबर्स खोल रखे हैं, जहाँ कंपनी के सेल्स आप देख सकती हो करंट एटीएम में 14,000 करोड़ के आसपास की सेल्स होती है और लगातार ये सेल्स देख सकते हो आपकी ग्रो हो रही है। और बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 1500 करोड़ प्लस हमें देखने को मिल जाता है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार ग्रो हो रहा है, करंट एटीएम में मोर देन 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका 1090 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी के नंबर्स ठीक आ रहे, अच्छे आ रहे। अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो जो रिजर्व कंपनी के लगातार ग्रो हो रहे और कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। ठीक है, बाकी कैश फ्लो कंपनी का अभी नेगेटिव है। अब बात करें शेयरहोल्डिंग पैटर्न, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, नो चेंज हमें देखने को मिलता है। और एफआईआई की होल्डिंग 2% से आपकी डबल हो चुकी है 5.40%, और साथ में हमारे जो डीआईआई है की होल्डिंग 11% से आपकी 9% हो चुकी है। और पब्लिक का होल्डिंग हमें 9% के आसपास देखने को मिल जाती है। तो आप के लिए देख सकते हो स्टॉक में जो पब्लिक का पैसा बहुत कम लगा हुआ है, तो ये भी एक रीजन है स्टॉक को आपके साथ शेयर करने का कि स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। बाकी अगर बात करते हैं कंपनी के अभी
कैसा चल रहा है, कितनी डिलीवरी उठाई जाती है। तो आप देख सकते हो एनएससी में काफ़ी अच्छा माल यहाँ पर लोग लगातार घर लेके जा रहे हैं, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 41% डिलीवरी लास्ट डे भी उठाई गई है। 1,99,000 शेयर ट्रेड किए गए थे, 79,000 शेयर लोग घर लेके गए, राइट। एंड दोस्तों, अब बात करें स्टॉक के चार्ट पैटर्न के बारे में, और आप क्लियरली देख सकते हो जो स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, एक अभी अपर ट्रेंड में, एक अपर चैनल में स्टॉक का चार्ट ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक अभी आपका अपर ट्रेंड में है, अपर चैनल में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो स्टॉक लगातार यहाँ रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये पूरे रजिस्ट्रेशन एरिया है स्टॉक के, और ये पूरे सपोर्ट एरिया है, ठीक है। स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड करते हुए आपको दिख जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है नीचे वाला, तो तभी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये तोड़ेगा, क्योंकि तो स्टॉक का जिस हिसाब से पैटर्न है, ठीक है, किस जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, स्टॉक के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो स्टॉक लगातार हायर हाइज का पैटर्न बना रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकता है, राइट। चार्ट पैटर्न हमें यही बोलने का प्रयास कर रहा है। बाकी देखो, अगर आपको स्टॉक को एक्युमुलेट करना है, तो आप स्टॉक को 2100 रुपये के प्राइस में एक्युमुलेट कर सकते हैं। 2100 का प्राइस काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो 2110 अगर आपको मिलता है, तो आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हो, राइट। तो चार्ट पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है। बाकी स्टॉक से देख सकते हो, यहाँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिया है, जो सक्सेसफुली डन भी हुआ है, मतलब सक्सेसफुली तोड़ा भी है स्टॉक ने, ठीक है। तो स्टॉक में जो तेजी है, आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है, यही हमें इसके नंबर्स बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।